अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि कराची शहर के हालात। देखिए, जैसे कि बारिशें होती है, बारिशों में जो है कई इलाकों में जो है समंदर में तुगयानी हो जाती है, कई नदियों में तुगयानी हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल जो है कोरंगी कॉजवे पर जो है जो नदी है उसमें तुगयानी हो जाती है, वो भर जाती है और भरने के बाद जो है वो पानी बाहर आता है, फिर दूसरी तरफ से गुजरता है। तो वहाँ का जो ट्रैफिक जाने वाला होता है ना, वो जो कोरंगी के अंदर ट्रैफिक जाने वाला होता है, वो इतना डिस्टर्ब होता है कि बस। आज जैसे कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि कुछ खवातीन मजदूर वगैरह जो है वो पैदल वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। तो भाई, कोरंगी कॉजवे जब भर चुका है और उधर से गाड़ियाँ गुजरना मुश्किल हैं, तो बंदे हाथ पकड़ के कैसे क्रॉस कर रहे हैं? क्या वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद नहीं? क्या वो KMC के इंतज़ामिया वहाँ मौजूद नहीं कि वो उसकी देखभाल करें और लोगों को रोकें? या तो फिर जो है कोरंगी कॉजवे को बनाया जाए, उसको थोड़ा सा ऊंचा किया जाए, उस पर पुल वगैरह बनाया जाए ताकि वो गाड़ियाँ गुजरे तो ऊपर से गुजर जाए पुल से। और इस तरह की कोई हिकमत अमली अब तक तैयार नहीं की गई। हर साल होता है कि कोरंगी कॉजवे जो है वो बाकायदा वो जो रास्ता है वहाँ से नदी में तुगयानी आ जाती है और वो भर जाता है, और उसके बाद जो है वहाँ से भर के जो है ऐसी तेज़ी से पानी बहना शुरू होता है कि कई दफ़ा जो समझ लें कि वहाँ पर कश्तियाँ दौड़ानी पड़ती हैं। और उसके बाद जो है आज मैंने वीडियो देखी, मुझे हैरान नहीं हुई कि एक आदमी के समझ लें कि वो जो है ना, मतलब वो निकले और उनकी चप्पल ही बह गई। और वो देख रहा हूँ कि जो यानी कि खवातीन जो हैं, मज़दूर खवातीन कहीं से शायद मुलाजमत करके आ रही हूँ कोरंगी कॉजवे की तरफ से, और वो एक एक बंदे का हाथ पकड़ के गुजर रहे हैं। और कुछ जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद हैं, वो बाकायदा जो है वीडियोस की शूट कर रहे हैं, वो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए, कुछ चैनल पर अपलोड करने के लिए तो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि इंतज़ामिया कहाँ थी? वहाँ से फिर गाड़ियाँ गुजरना शुरू होंगी, गाड़ियों को कोई लॉस पहुँचेगा या गाड़ी कोई जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंतज़ामिया कहाँ होती है जब कोरंगी कॉजवे पर तुगयानी होती है, तो उसके बाद जो है ये सारे हालात कैसे पैदा हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है सिर्फ ये कोरंगी कॉजवे जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है, उधर जो है पुल बनाना ज़रूरी है, और उधर जो है या तो फिर जो है उसके नीचे का हिस्सा जो है उसको मज़ीद गहरा करना ज़रूरी है, या तो फिर उधर जो है पुल बना दें। पुल बना देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा आवाम को, फिर जितना चाहे नीचे से बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, और उसके बाद बहता ही चला जाए, मसला नहीं है। तो कोरंगी कॉजवे पे जो है पुल, बड़ा ब्रिज बनाना ज़रूरी है, ऊंचा ब्रिज बनाना ज़रूरी है ताकि गाड़ियां वहां पे आराम से गुजर सकें और वहां से ट्रैफिक गुजर सके। वहां से जो है आवाम के गुजरने का एक पुल साइड में बनाना ज़रूरी है ताकि आवाम जो है उस पुल पर चढ़े और वहीं से गुजर जाए। तो इससे जो है तुगयानी कोरंगी नदी में तो तुगयानी हो जाएगी, उसका जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोरंगी कॉजवे पर जो है तुगयानी हो चुकी है और वहाँ पे मज़ीद जो है तुगयानी होगी तो मज़ीद पानी बढ़ जाएगा और ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते जो है वहाँ पे पानी का बहाव और तेज़ हो जाएगा, सड़क पे से गुजरना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका काम बनता है कि इंतज़ामिया का काम बनता है कि वहाँ से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोका जाए, उसके मुतबादल रास्ते बनाए जाएँ, मुतबादल रास्तों से ट्रैफिक गुजारा जाए ताकि जो है लोगों को जो है उस तरफ जाने का मौका ना मिले। बहुत से लोग चले जाते हैं